चटनी ले लो। टेक केयर, ओके, बाय बाय हो गई। आज खाने में क्या क्या बनाया मम्मी ने आपकी बेटा? अच्छा क्या क्या है ये? नानू के लिए खाने में क्या क्या बनाया है आज? चलो दिखाएं। चलो दिखाते। लो जी एक बार फिर से करी लाडो रानी ने वीडियो की स्टार्टिंग और उसी के साथ लाडो रानी पहुंच चुकी किचन में दिखाने के लिए। खुद तो पहुंच पाई नहीं, फिर मम्मी हमसे बोली कि मम्मी आप ही दिखा दो सबका सब, हम कैसे पहुंचेंगे इतने ऊपर। तो हमने नॉन वेज वालों के लिए नॉन वेज बनाया और वेज वालों के लिए वेज बना, यानी कि दिन का खाना था वही राइस वगैरह बनना था, तो उसी के साथ चपाती वगैरह भी बनाई थी। फिर उसी के साथ क्या था, बगल में अन्ना को खाना भी खिलाना था तो उसके लिए भी रखा हुआ था, और उसी के साथ फिर अन्ना वेट करते करते थक गई कि नानू कब आएंगे मम्मी। हमने बोला जब तक आप साइकिलिंग कंप्लीट करोगे नानू पहुंच जाएंगे, और उसी के साथ उसके नानू यहाँ पे पहुंच चुके हैं। नानू के साथ साथ आए हमारे ताऊ जी, चाचा जी, और ये रहे दूसरे चाचा जी, और एक भैया भी साथ में आए हुए थे। तो क्या आज की बिटोली के लिए इतने लोग तो बनते है ना, तो क्या फटाफट इन लोगों को पहले खाना खिला लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। जैसे ही सब लोगों का खाने लगा है तो सब लोग कह रहे हैं अरे यहीं पे रख लो हम खुद ले लेंगे। और फिर हमने देखा अर्ना क्या कर रही है, अपने पापा के साथ मस्ती कर रही है। उसका तो प्रॉपर अपना गेम चल ही रहा था, चालू था एक तरीके से कह सकते हैं। फिर क्या था, सब लोगों ने तारीफ करी, अरे वाह क्या क्या कितना लजीज खाना बनाया, तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। उसी के साथ खाना वाना खा करके सब फोटोशूट के लिए आ गए। और अर्ना क्या बोलती है सुनिए। नानू मम्मा की बिटोली आए नानू ना, आज नानू के क्या क्या बनाया था? चिकन, अरे वाह। और क्या बनाया था? रोटी, दाल, दाल, सैलेड, और बहुत कुछ बनाया, दाल भात। नानी आई थी? नानी आएगी ना, नानी गांव से आए ना, ना ना इसलिए नानी को नहीं लाए हैं। चलो बाद में आएगी। चले चले हाँ ये आज की करोड़पति मैं ही हूँ। हाँ करोड़पति, आज की करोड़पति, आज ही बनूंगी। ओके हाँ ये जीत के ना बेटा, ऐसा नहीं करते हैं, ले लो ले लो बेटा ले लो, अरे चाचा ले लो बेटा, ऐसा नहीं करते, ले लो बेटा, रहने दो ये बच्चे लग रहे हैं ना, इसीलिए अरे सोना है चाचा, वो है वो कौन से वाले हीरो है वो नाना पाटेकर। तूने दे दे ले जाते हैं ना मैंने, तभी तो वापस नहीं किया, ले लिया ना मैंने, आए हैं ना, और क्या ऐसा नहीं होता ना बेटा, ले आ गया हम, वो कहाँ गए? नानू के साथ जाएगी, ठीक है नानू, आ जा एक बार, आ जाओ आ जाओ, आईफोन में नहीं आएगा, नहीं देखिए इसे दो लाख लाख आईफोन, इसी से तो सब कुछ सही करता है। सभी लोगों को लोकेशन इतनी अच्छी लगी कि पूछो ही मत, एक भी जगह नहीं छोड़ी, चाहे वो लॉन हो, चाहे वो टेरेस हो, या फिर गार्डन हो, सारे ही लोकेशन में फोटो शूट हुआ सभी लोगों का एक एक करके। फिर उसी के साथ यहाँ पे अर्ना के से नानू बात कर रहे हैं कि अर्ना आप चलोगे? तो अर्ना बोली मन तो मेरा बहुत है नानू, लेकिन आप नानी को लेके आना पहले, फिर हम जाएंगे। फिर क्या था, सब लोगों की बातें चल रही थी, उसी के साथ साथ
अर्णा सभी लोगों को प्रणाम करने लगी, लेकिन सब अपनी बातों में इतना मगन थे कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। फिर जाके अर्णा फिर दोबारा गई सभी को प्रणाम करने के लिए एक एक करके, तो सब लोगों ने सोचा अरे हाँ यार बच्चा कुछ तो कर रहा है। फिर जाके सबने नोटिस करा, फिर अर्णा ने एक एक करके फिर दोबारा सभी के पैर छुए और सभी से बोला कि आशीर्वाद तो दे दो। फिर सभी लोगों ने उसे आशीर्वाद दिया। ताऊ जी बोले अरे वाह कितना प्यारा बच्चा, वैसे हमारा बच्चा है ही प्यारा, वैसे किसी का भी बच्चा बुरा नहीं होता। फिर चाचा देखिए ओके बाय बाय हो गई। खाने पे अर्णा रोई रोई कर रहा है, मम्मी तो रोई रोई नहीं कर रही लेकिन अर्णा रोई रोई कर रही नाना के जाने पे। और टाइसन को भी आजादी मिल गई इसी टाइम पे है टाइसन। दिन का सारा काम निपटाने के बाद शाम की वॉक के लिए निकल पड़े, क्योंकि टाइसन को पता चल गया था कि हम लोग वॉक पे जा रहे, तो टाइसन पहले ही आ गया। फिर अर्णा और टाइसन की हुई रेस, और फिर अर्णा ने बोला टाइसन कम फास्ट। तो टाइसन और अर्णा की यहाँ पे चल रही थी रेस, तो हमने सोचा थोड़ा बहुत कैप्चर करना तो बनता है, क्योंकि यही तो चीजें हैं जो हम आगे जाएंगे और देखेंगे तो हमें काफी ही अच्छा लगेगा। फिर क्या था, जब हम वॉक पे गए तो काफी आगे निकल गए और अर्णा को और आगे जाना था, तो हमने बोला अर्णा वापस आ जाओ बेटा, बहुत दूर आ चुके हैं, ये बहुत घना जंगल है। लेकिन अर्णा मानने से रही, अर्णा ने बोला नहीं मम्मा मुझे यहीं पे वॉक करना है, यहीं पे टहलना है। तो फिर बड़ी मुश्किल से डरा धमका के इसे वापस आने की कोशिश कर रही, वापस चला जा रही, हमारे पास आने को तैयार ही नहीं। फिर जाकर के हम लोग काफी दूर आए, तो तब जाकर के भाग भाग के आई, और यहाँ पे हमारे बुरास के फूल भी खिल चुके हैं। दिल देख करके इतना अच्छा लग रहा था कि पूछिए ही मत। फिर क्या था, लॉन में आकर के अर्णा ने बोला कि आज तो खेलना बनता है, तो यहाँ पे पहले हम लोगों के साथ खेलने लगी कि मम्मा आज मैं आपके साथ खेलूंगी। तो यहाँ पे अर्णा और मेरा फुटबॉल चल रहा था, उसी के साथ अर्णा ने किक किया तो उसका एक शू निकल गया, तो हमारे पास आ गई कि मम्मा आप लेके आइए, तो हमने बोला नहीं बेबी आप लेके आओ। फिर लेके आई, फिर उसको पहनाया शू, और फिर जा करके करी स्माइल, फिर बोली पापा मम्मा के साथ बहुत ढेर सारा खेल लिया है, अब आप भी आ जाओ। तो फिर क्या था, फिर पापा के साथ खेलने लग गई। एक एक करके सभी के साथ अर्णा ने फुटबॉल खेला, और अर्णा को बहुत ज्यादा पसंद है, चाहे वो फुटबॉल हो वॉलीबॉल हो, वैसे हर चीज खेलना उसको बहुत ही ज्यादा पसंद है। फिर उसी के साथ अर्णा ने बोला सबके साथ खेल चुकी हूँ, अब बुआ जी बच गई है। लेकिन बुआ जी के साथ खेलते खेलते बुआ जी का डॉगी कहने लग गया, सुनिए आप भी। What Simba? What happened Simba? Simba? You need to do what? What happened Simba? एक और आ गया कमी हो रही थी हो गया अभी। अच्छा हो तो गई, इनकी जान पहचान तो बचपन की है। नहीं पर दोबारा आने में दोबारा होती ना। हो गई होगी। क्या कर रहे हैं टाइसन? लो अब हुआ रिएक्शन। अर्णा क्या कर रहा सिम्बा? नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो। व्हाट हैपेंड सिम्बा बोलो। व्हाट हैपेंड सिम्बा? अर्णा ऐसा नहीं करते बेटा।
और इसी के साथ शाम हो चुकी थी यानी कि रात हो चुकी थी और रात के टाइम पे हमें अपना लॉन इतना अच्छा लगता है कि पूछिए ही मत। तो हमने सोचा कि आप सभी लोगों के साथ भी शेयर करना बनता है और इसी के साथ यहाँ पे अर्ना करती है बाय बाय लाइक सब्सक्राइब माय चैनल न्यू वीडियो के साथ ओके बाय बाय से बाय बाय कम है कम है बेटू।